ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की माँ धारी देवी के अनसुने रहस्य। माँ धारी देवी प्राचीन काल से उत्तराखंड की रक्षा करती है, सभी तीर्थ स्थानों की रक्षा करती है। माँ धारी देवी मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। साल 1807 से इसके यहाँ होने का साक्ष्य मौजूद है। पुजारियों और स्थानीय लोगों का मानना है कि इस मंदिर इससे भी पुराना है। 1807 से पहले के साक्ष्य गंगा में आई बाढ़ में नष्ट हो गए हैं। 1803 से 1814 तक गोरख सेनापतियों द्वारा मंदिर को किए गए दान अभी भी मौजूद है। इस मंदिर में पूजा अर्चना धारी गांव के पंडित कराते हैं। यहां के तीन पंडित भाई चार चार महीने पूजा कराते हैं। यहां के पुजारी बताते हैं कि द्वापर युग से ही काली की प्रतिमा यहां स्थित है। इससे आगे के काली मठ में देवी काली की प्रतिमा क्रोध की मुद्रा में है, पर धारी देवी मंदिर में कल्याणी परोपकारी शांत मुद्रा में है। यहाँ महाकाली के धार की पूजा होती है, जबकि उनके शरीर की पूजा काली मठ में होती है। पुजारी का मानना है कि धारी देवी धार शब्द से ही निकला है। पुजारी मंदिर के बारे में अन्य कथा का पुरजोर खंडन करता है। साल 1880 की बाढ़ में प्राचीन मूर्ति खो गई तथा 5-6 वर्षों बाद तैराकों द्वारा नदी से मूर्ति खोज निकाला गया था। इस बीच के वक्त में यहाँ पर एक और प्रतिमा स्थापित की गई थी। अब मूल प्रतिमा को फिर से स्थापित किया गया है। प्राचीन देवी की मूर्ति के इर्द गिर्द चट्टान पर एक छोटा सा मंदिर स्थित है। देवी की आराधना भक्तों द्वारा अर्पित 50,000 घंटियों को बजाकर की जाती है। माँ काली का रूप माने जाने वाली धारा देवी की प्रतिमा को 16 जून 2013 की शाम को उनके प्राचीन मंदिर से हटाई गई थी। उत्तराखंड के श्रीनगर में हाई डील पावर प्रोजेक्ट के लिए ऐसा किया गया था। प्रतिमा जैसे ही हटाई गई, उसके कुछ घंटे के बाद ही केदारनाथ में तबाही का मंजर आया और सैकड़ों लोग इस तबाही के मंजर में मारे गए। 16 जून 2013 को शाम 6 बजे धारी देवी की मूर्ति को हटाया गया और रात्रि 8 बजे अचानक आए सैलाब ने मौत का तांडव रचा और सब कुछ तबाह कर दिया, जबकि 2 घंटे पूर्व मौसम सामान्य था। इस इलाके में माँ धारी देवी की बहुत मान्यता है। लोगों की धारणा है कि माँ धारी देवी की प्रतिमा में उनका चेहरा समय के साथ बदलता है। एक लड़की से एक महिला और फिर एक वृद्ध महिला का चेहरा बना। यह मूर्ति जागृत और साक्षात कही जाती है। देश भर से यहाँ श्रद्धालु आकर अपनी मन की मुराद मांगते हैं। ज्ञान गंगा से जुड़े रहने के लिए ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर यह सब्सक्राइब बटन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करिए और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन नजर आएगा। ये देखिए, ये बेल आइकन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिल जाएंगे। तो हमारे
इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।